किसी फिल्म सिटी में नहीं बल्कि इतिहास से जुड़ी इस जगह पर हुई थी गदर 2 की शूटिंग। नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कौन है सोशल मीडिया पर वायरल ये गाय जिसे दुनिया साक्षात भगवान कह रही है? क्या इसके गौमूत्र से हो जाएगा सभी बीमारियों का नाश? और कौन है ये लड़की जो हमेशा सलमान के साथ दिखाई पड़ती है? क्या है सलमान खान के साथ इसका रिश्ता, जानेंगे आज। और शाहरुख खान ने कर दिया है ऐसा जुगाड़, पायरेसी करने वालों का हो जाएगा बुरा हाल, लेकिन कैसे? और अगर आपकी भी जिम में घंटों मेहनत करने के बावजूद मसल्स नहीं बनती तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, वरना पछताना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों गदर 2 की अपार सफलता से जहां इंडियंस में खुशी की लहर है, वहीं पाकिस्तानी हैरान है। आखिर हो भी क्यों ना, फिल्म में उनकी ऐसी कम तैसी जो की गई है। लेकिन क्या आपको पता है गदर 2 की फिल्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन, जब सनी देओल ने हथौड़े के एक ही वार से जीप के टायरों के दो अलग टुकड़े कर दिए थे, वो किसी फिल्म सिटी में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के काकोरी में शूट किया गया है। जी हाँ, वही काकोरी जहां हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की नाक के नीचे से उनका खजाना लूटा था। इसी काकोरी के तकिया शरीफ नामक जगह पर गदर 2 की अधिकतर शूटिंग हुई है, जो कि देखने में पूरा पाकिस्तान सा लगता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों यूं तो आपने गाय को रोड पर या फिर किसी गौशाला में घूमते देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर गाय सालों से रोजाना किसी दुकान में घंटों सेठ की तरह बैठती हो? है ना बिल्कुल अमेजिंग। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल ये वाक्य रायपुर के महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट का है, जहां पर चंद्रमणि नाम की ये अनोखी गाय अपने मालिक की दुकान पर रोजाना आकर उनको दर्शन देती है। यही नहीं, मालिक भी गाय को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। गाय दुकान पर ना कोई गंदगी करती है, ना ही किसी कस्टमर को किसी तरीके से परेशान करती है। यहाँ तक कि दुकान मालिक के मुताबिक ये गाय उनका लकी चार्म है, जिनके अंदर वास कर रहे 33 करोड़ देवी देवता का दर्शन से वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 10, फ्रेंड्स आज की ट्रेन एडवांस टॉयलेट जैसी तमाम तरीके की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं पहले के समय में गुड्स गार्ड को इसके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। असल में पहले के समय ट्रेन में ओपन टॉयलेट हुआ करते थे, जिसमें वेस्टेज पटरी से निकल जाता था, पर जब ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार की होती थी तो इस ओपन टॉयलेट से हवा इतनी तेज केबिन के अंदर आती थी कि वो वेस्ट गिरने ही नहीं देती थी, और बेचारे गार्ड पेट खराब होने पर भी ट्रेन के धीमे होने का इंतजार करते थे। फैक्ट नंबर 9, शाहरुख खान की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर जवान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और इस फिल्म का करिश्मा भी अभी तक रुका नहीं है। हालांकि इतनी बंपर कमाई के बावजूद भी फिल्म बनाने वाली कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पायरेसी को रोकने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा के रखा है, ताकि उनको फिल्म का पाई पाई की कीमत मिल सके। हैकर्स को सबक सिखाने के लिए कंपनी ने इसके लिए एंटी पायरेसी एजेंसी को हायर किया, जो कि इंटरनेट के किसी भी कोने पर जवान फिल्म से जुड़ा लीक कंटेंट खंगालती है, यहां तक कि आपके हमारे व्हाट्सएप लिंक तक भी। और ऐसे में कंपनी को अगर कोई भी पायरेसी करता मिलता है तो अगले दिन वो सलाखों के पीछे होता है। इसलिए दोस्तों हम तो आपको यही एडवाइस देंगे कि अगर आपको मूवी देखनी है तो थिएटर में जाकर देखें, लेकिन किसी लिंक के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जवान फिल्म में भले ही हर तरफ शाहरुख खान छाए रहे हो, लेकिन इसके डायरेक्टर एटली कुमार ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। बता दें कि साउथ फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर में शुमार एटली महज 37 साल की उम्र में ही बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। उन्होंने अब तक सिर्फ 5 ही फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन आज सभी बड़े स्टार उनके साथ काम करना चाहते हैं। और तो और जवान के हिट होने के बाद तो एटली के पास सांस लेने तक का समय नहीं है। एटली ने सिर्फ 19 साल की उम्र में ये ठान लिया था कि उन्हें डायरेक्टर बनना है, और उनका करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने एस शंकर के असिस्टेंट के तौर पर काम की शुरुआत की। वहीं एटली की पत्नी का नाम कृष्ण प्रिया है, जो कि एक एक्ट्रेस है और वो सीरियल्स में एक्टिंग कर चुकी है। पहले दोनों एक अच्छे दोस्त थे, बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई और 2014 में दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों कई सालों बाद एक बार फिर से सलमान खान किसी हीरोइन को लेकर सुर्खियों में है। कुछ लोगों के मुताबिक इनका चक्कर तक चल रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दबंग 3 की हीरोइन और सलमान खान के जिगरी दोस्त महेश मांजरेकर की बेटी साई मांजरेकर की। बेहद खूबसूरत साई मांजरेकर को हाल ही में सलमान के फार्म हाउस पर देखा गया। जी हाँ, वही फार्म हाउस जहाँ कभी ऐश्वर्या, कैटरीना और जैकलीन जाया करती थी। यहाँ तक कि दोनों की काफी प्राइवेट फोटोज तक लीक हुई हैं। साई और सलमान पिछले कुछ सालों में इतना करीब आ चुके हैं कि इन्हें कई दफा पार्टीज में साथ मौज मस्ती करते देखा गया। वैल ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान एक बार फिर से अपनी जवानी के दिन जी रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आज के समय में कागज कितना जरूरी है। इनका यूज नोटबुक बनाने से लेकर कई जरूरी चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इसे तैयार कैसे किया जाता है? वेल तो चलिए चलकर देखते हैं आपको इंटरनेशनल पेपर्स कंपनी की तरफ, जो कि यूएस में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री है। पेपर बनाने के लिए हमें सबसे रेशे वाले पेड़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बिर्च, पॉपलार, एक्यूलिप्टस आदि के पेड़। इन पेड़ की लकड़ियों को छोटे टुकड़ों में काटकर पहले उन्हें लुगदी बनाई जाती है, फिर इन्हें एक बड़े से टैंक में एसिडिक सॉल्यूशन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे वुड फाइबर बनता है। और फिर इस वुड फाइबर में ब्लीचिंग के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, ताकि ये सफेद हो जाए। पेपर का सफेद रंग आने पर इन्हें पेपर मेकिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां पर ये पेपर की तरह निकलने लगते हैं, और अंत में इन्हें 1 ग्राम चैम्बर से निकाल दिया जाता है, ताकि ये जल्दी से सूख जाए, जिसके बाद आपका पेपर तैयार हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, आज के मॉडर्न समय में जिम जाना
जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम पर घंटे मेहनत करने के बावजूद भी मसल नहीं गेन कर पाते और हमेशा उन्हें थकान सी लगी रहती है। दरअसल इसके पीछे का कारण है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल का कम होना। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जिसे कम होने में अक्सर पुरुषों में लेजीनेस, एंजाइटी, वीकनेस और सेक्स संबंधी बीमारियां होने का खतरा बन जाता है। इसके लिए जरूरी है कि पुरुष शराब, सिगरेट और गुटखा जैसी चीजों से दूर रहकर एक वेल प्रोटीन डाइट के साथ रोजाना एक्सरसाइज करें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मशहूर रैपर किंग को शायद ही हम में से ऐसा कोई होगा जो न जानता हो, लेकिन क्या आप किंग के फर्श से अर्श तक की कहानी के बारे में जानते हैं? कभी 10,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाले किंग कैसे महीनों के करोड़ों कमाते हैं? दरअसल ये कहानी तब की है जब किंग नौकरी किया करते थे और तभी उन्हें MTV हसल में परफॉर्म करने को मिला, लेकिन इस शो में वो नाकामयाब रहे और उनकी नौकरी भी चली गई। पर किंग यहाँ पर नहीं रुके और उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला गाना निकाला तू आकर देख ले, जो कि सिर्फ 5,000 में तैयार किया गया था। लॉन्च किया गया और ये गाना इतना फेमस हो गया इसे YouTube पर 400 मिलियन से ज्यादा लाइक मिले और यहीं से किंग की जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे किंग को YouTube से लाखों रुपए की कमाई होने लगी और फिर किंग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तू मान मेरी जान से लेकर उन्होंने लाइव शोज करना शुरू कर दिया और आज किंग रैप इंडस्ट्री के वाकई किंग बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों देश की संसद में नेताओं को बहस करते हुए तो आपने देखा होगा, कभी कभी बात ज्यादा बिगड़ जाने पर एक दूसरे पर गालियों की बौछार करते हुए भी देखा होगा। लेकिन हाल ही में मैक्सिकन कांग्रेस में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया हिल गई। असल में मैक्सिको की सांसद ने जैमी म्यूजियम नाम के UFO एक्सपर्ट ने दिन दहाड़े दो एलियंस के शव को प्रेजेंट करके सबको चौंका दिया। जैमी की माने तो उनका सामना UFO से हुआ था और दोनों शव 1,000 साल से भी ज्यादा पुराने। वही हमेशा से एलियंस के सवाल पर इधर उधर के जवाब देने वाले साइंटिस्ट के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी कहानी है और कुछ नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में एलियंस होते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक समय था जब देश में सिम कार्ड चुटकियों में मिल जाया करते थे, लेकिन अभी इतना आसान नहीं, क्योंकि देश में बढ़ते फ्रॉड को देखकर भारतीय सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नया कानून पेश किया है और हमें लगता है कि आपको ये जानना बेहद जरूरी है। इस नए रूल के मुताबिक छोटे से लेकर बड़े तक सभी दुकानदारों को सिम बेचने से पहले अपनी दुकान का वेरिफिकेशन करना जरूरी है। साथ ही बल्क में सिम लेने वाली कंपनियों को एंड लेवल एग्जीक्यूशन KYC करना पड़ता है, यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सिम को यूज करने वाले हर एक एम्प्लॉय का भी KYC होगा। साथ ही हमारे आप जैसे आम लोगों के लिए सिम कार्ड खरीदने पर अब आधार कार्ड का प्रिंट आउट नहीं बल्कि उसका स्कैनर कोड मैंडेटरी कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 1, आईफोन एक ऐसा ब्रांड जिसको खरीदने का सपना आज लगभग सभी को हो गया। आईफोन आज एक ऐसा ब्रांड नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब शुरुआती दिनों के पहले साल में दुनिया भर में मात्र 1.4 मिलियन आईफोन बिके थे, लेकिन आज ये ब्रांड इतना सक्सेसफुल हो गया कि इसके 1.4 मिलियन आईफोन तो 2 दिन में बिक जाते हैं। वाकई दोस्तों इसे कहते हैं सक्सेस। वेल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।